हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ युगपत समीकरण, जिसमें दो या दो से अधिक चर जब होंगे तो उसको कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे, तब इन उन समीकरणों को हम युगपत समीकरण कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। ये है युगपत समीकरण, एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ। सपोज ये है 3x - 2y = 5, और ये 5x - y = 3। अब इसके हम प्रथम इसको कहेंगे प्रथम समीकरण है, ये है दूसरे समीकरण। अब इसमें दूसरे समीकरण को यदि हम दो से यदि गुणा कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x - 2y = 5, और दूसरे समीकरण को हमने दो से गुणा कर दिया तो 10x - 2y = 6। 3×2 = 6 हो जाएगा, 3×2 = 6, वाई को 2 से गुणा किया 2y। अब देखिए, अब हम इसको इन दोनों समीकरण को अगर माइनस कर दें तो यहाँ ये माइनस का निशान, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 2y और 2y कट गया। 3x में से 10x जाएंगे तो -7x = -1, तो x बराबर आ गया -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/7। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/7, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/7। यदि इस एक्स की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख दें, मान लो दूसरे समीकरण में रख दिया, तो 5×1/7 - y = 3। अभी हो जाएगा 5/7, तो -y = 3 - 5/7। ये 5/7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये इसको हल किया तो 7 LCM आया, 7 × 21 - 5, तो ये कितना आया, 21 - 5 = 16, 16/7। तो ये आया -y = 16/7, तो y = -16/7। तो x और y की वैल्यू आ गई, एक तो आई 1/7 और एक आई -16/7। ये आ गई दोनों वैल्यू आपके x और y की इस समीकरण में। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इसके द्वारा, ये युगपत समीकरण की विधि के द्वारा। अब एक एग्जांपल और मैं आपके सामने दे रही हूँ। मान लो 6x - दूसरा एग्जांपल है 6x - 5y = 4, और 8x - 3y = 4, ये दोनों बराबर 4 के हैं। अब इन समीकरण को हल करना है, तो अगर हम अब हमें दोनों ही समीकरणों में x एवं y दोनों के गुणांक अलग अलग हैं, तो हमें पहली समीकरण को हम × 8 कर देंगे और दूसरी समीकरण को हम × 6 कर देंगे। तो पहले समीकरण को हम × 8 करेंगे तो 8×48 - x = 8×40y = 8×32 क्या आएगा, 8×32। यहाँ आएगा 8×32, और दूसरे समीकरण को हमने 6 से गुणा किया तो 48x - 18y = 6×24। अब देखिए, हम इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। तो -40 में से 18 + 18 जाएंगे तो ये आएगा -22y = 32 में से 24 जाएंगे तो कितना आएगी, आएंगे 8। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर यहाँ कितना आएगा, ये 8/-22, 8 - 8/22, -8/22, ये आ गया तुम्हारे y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को हम x में रख देंगे
किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। देखिए हमने इसको 8 से गुणा किया तो 8 से 48x माइनस 40y बराबर 8 चौक 32, और ये हुआ 6 से गुणा किया तो 6 6 48 माइनस 6 3 18y बराबर 6 4 24, तो 32 में से 24 गए 8, ये आ गया 8/22। अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम x इसमें पहली समीकरण में, 6x माइनस 5 इंटू वाई हो गया माइनस 8/22 इक्वल टू 4, तो ये हो गया 8/40, ये हो गया 6x इक्वल टू हो जाएगा 4, इधर जाके प्लस का हो जाएगी 4 + 40/22। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 22 एलसीएम आ गया, 88 प्लस 40। थोड़ी सी ये समीकरण कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बराबर फिर ये आ जाएगा 8 * 12 128/22, और 128/22 इंटू 6, ये x बराबर इधर आके ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये x और y की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से आपको, अब मैं और समीकरण में आपके लिए लिख रही हूँ, आप इसकी वैल्यू निकाल के आपके पास रखेंगे। 51x, ये समीकरण एक आपको करना है, 51x माइनस 31y इक्वल टू 51, और 31x माइनस 51y इक्वल टू 31, ये एक प्रश्न आपको आज करना है। एक और प्रश्न मैं लिख रही हूँ यहाँ पर जो आपको करना है, 7x माइनस 5y इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y इक्वल टू 13, 3x प्लस 2y इक्वल टू 13, ये दो प्रश्न आपको करने हैं आज। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ये आपका ख़त्म हो गया युगपत समीकरण। तेरह एक्स प्लस 6y बराबर 58, और 5x माइनस 11y बराबर 9।